सो फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे कमेंट आ रहे हैं जो कासिया और टॉर्जू एमुलेटर के बारे में पूछे जा रहे हैं, तो आज के बारे में आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं कासिया के बारे में। काफ़ी टाइम से यहाँ पे कुछ अपडेट दिया नहीं गया है, ना ही डिस्कॉर्ड सर्वर पे, ना ही कहाँ पे, तो इसके बारे में हम मुझे तो ऐसा लग रहा है 2025 के आसपास ही इसका अपडेट आएगा। लेट इसके लिए हो रहा है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे डिसकंटिन्यू जो प्रोजेक्ट हुए हैं 2024 में काफ़ी सारी स्ट्राइक की वजह से, तो इसके लिए चलते हैं हम टॉर्जू की तरफ से। टॉर्जू में भी इसके लिए डिले कर दिया गया है क्योंकि एंड्रॉयड में आने के बाद कई सारे NSK एमुलेटर जो है DMC मतलब कि जो कॉपीराइट स्ट्राइक, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को शटडाउन किया गया है। CU हो गया और सुदाची, ऐसे काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं जो डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, इसके लिए क्या हो रहा है, डेट में डिले हो रही है। जो भी अपडेट आएंगे एंड्रॉयड के लिए उसमें काफ़ी देर होने वाली है। 2025 के अराउंड जितना भी एल्गोरिदम जो चेंज हुआ है AI की वजह से, काफ़ी सारा इफेक्ट कई सारे ब्लॉग पे और काफ़ी सारे एमुलेटर मेन तो ऑफिशियल यूज़ हो गया। अभी तो Ether SX2 भी हमारे प्ले स्टोर पे नहीं है, ना ही सीट्रा है। जितने भी एमुलेटर जो ऑफिशियल थे काफ़ी लेजिट थे, अभी टोटली रिमूव हो चुके हैं। इसके लिए हमारे जो भी ऑफिशियल अपकमिंग एमुलेटर हैं उनमें काफ़ी डिले हो रही है। कासिया हो गया या तो टॉर्जू हो गया, ऐसे कई सारे ऐसे एमुलेटर आने वाले हैं जिनके अपडेट आपको आने के टाइम पे हम दे देंगे यहाँ पे। अभी आपने हाल ही में MyPS2 का एमुलेटर चेकआउट किया होगा जो कि अलग लैंग्वेज से बिलोंग करता है, फिर भी हम उसका अपडेट देते ही हैं क्योंकि वो काफ़ी स्मूथ है। सो जैसे ही अभी अपडेट आएंगे तो आपको ज़रूर से यहाँ पे अपडेट दे देंगे। उसके लिए बने रहना। बाय फ्रेंड्स।